दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी शिमाज खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चटपटा सब्जी। तो फटाफट आप अपने घर में जरूर इसे ट्राई करें, बनाएं, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो रेसिपी में एक बार आपके साथ शेयर करती हूँ। हम आज जो हम बनाने वाले हैं पकौड़े की सब्जी बनाएंगे, प्याज पकौड़े की। तो हमने यहाँ मीडियम साइज की 3 प्याज को स्लाइसेस में कट करके रखा है। और इसमें हमने लिया है 3 हरी मिर्च, जो बारीक से इसमें कट करके डाल देंगे। ये तीखापन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो कोई काफ़ी स्पाइसी खाता है पकौड़े, कोई थोड़ा कम स्पाइसी खाता है, तो ये आप अपने हिसाब से रख लें। और इसके अंदर हम डाल देंगे, हमने लिया है यहाँ बेसन, 1 कटोरी हमने बेसन लिया है छना हुआ, वो ऐड कर लिया है। और बाकी का सामग्री जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काले मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मिर्च हमने इसमें भी ऐड किया है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। लहसुन की 6 से 7 कलियाँ दिख रही होंगी आपको। और 1 अदरक इंच का टुकड़ा को मैंने यहाँ अदरक के टुकड़े को कट करके रखा है। और हमने यहाँ 2 मीडियम साइज का टोमेटो स्लाइसेस में काट के रखा है। तो इन सारी सामग्री को हमें ग्रेवी तैयार करनी है, जो हम मशीन में जार में डाल के जो है मिक्सी में घुमा लेंगे। तो फटाफट हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैं इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मसाला डाला जाता है, बट आज मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि इसका ग्रेवी में मसाले होंगे जो ये अब्सॉर्ब कर लेता है। तो फटाफट मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल लेती हूँ। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके साफ सुथ करके जो है रखा है, इसको मैं अंदर इसमें ऐड कर देती हूँ। और इन सारी चीज़ों को एक बार मैं मिक्स कर लेंगी। फटाफट जो है पकौड़े बनाने के लिए इसे तैयार करके रख लिया है। कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। तब जब तक हमारा कढ़ाई का ऑयल गर्म होगा, तब तक हम अपना ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। ग्रेवी तैयारी करने के लिए हमने इसमें लहसुन और अदरक डाल लिया है। इसी के साथ ऐड कर लेंगे कटा हुआ टोमेटो। और ये सारे मसाले को भी मैं इसी में एक बार घुमा लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ प्याज का भी ग्रेवी बना सकते हैं, बट प्याज का ही पकौड़े बना रहे हैं तो उसमें हमें नहीं लगता प्याज की कोई, अगर लोग ज़्यादा है तो आप 1/2 डाल सकते हो, नहीं तो बस काफ़ी है, ये सफिशेंट होगा। घर में अगर फैमिली ज़्यादा हो तो आप प्याज का जो है ग्रेवी बनाए, नहीं तो ये बहुत है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, फटाफट हम सारे पकौड़े इसमें तल लेंगे। हमने सारे पकौड़ों को जो है फ्राई कर लिया है और इसे बाहर निकाल लेते हैं सारे। और अब हम बना लेंगे ग्रेवी। ग्रेवी को हमने मसाले सारे पीस लिए हैं, अब हमें सिर्फ ग्रेवी पकाना है। सारा ऑयल को हमने बाहर निकाल लिया, लगभग 1 छोटा चम्मच हमने इसमें ऑयल रखा है। और इसमें हम डाल देते हैं तेज पत्ता और थोड़ी सी 1 लाल मिर्च, थोड़ी से 1 इंच का टुकड़ा हम इसमें डालेंगे दालचीनी का, इन सारी सामग्री को हम अच्छे थोड़ा पका लेंगे। इसी के साथ डाल देंगे इसमें जीरा, 1/2 चम्मच हमने इसके अंदर जीरा ऐड कर लिया है। 2 से 3 मिर्ची डालेंगे, काली मिर्च 2 से 3 हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे। तो देख रहे हैं हमारा ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया खिल के आया है। और इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से ढक के पका लेना, ताकि मसाला जो है हमारा कढ़ाई छोड़ दे और अच्छे से पक जाए। तो आइए एक बार अपना ग्रेवी चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो गया है, यानी कि मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है पक के रेडी हो गया है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा। ग्रेवी हमारा तैयार है। इसके अंदर हमें अब पानी ऐड करना पड़ेगा। तो जिस बॉल में मैंने पानी पकौड़े बनाया था, उसी बॉल के पानी से मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि जो बेसन अगर मैं
चिपके होते हैं वो आसानी से बाहर आ जाएंगे और ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर पानी जो है ऐड कर लिया है। आप ग्रेवी आप अपने हिसाब से बनाएं। और हमने जो ये ग्रेवी तैयार किया है इसके अंदर हम आराम से नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा ग्रेवी को और पतला करेंगे। ग्रेवी के अंदर मैंने हल्दी ऐड नहीं किया था इसलिए मैंने एक चम्मच इसके अंदर हल्दी ऐड कर ली हूँ और इससे और निखर के आएगा कलर हमारा। और इस तरीके से जो है हमें ग्रेवी को पका लेना है। एक अच्छा उबाल आने देते हैं इसके अंदर। ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया उबाल आ गया है। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे नमक। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हमने इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर लिया है। थोड़ा सा मैं नमक और ऐड कर रही हूँ, लगभग हाफ चम्मच। पकौड़े में हमने नमक पहले से ही ऐड किया हुआ है, उसका भी ध्यान रखें। और ग्रेवी हमें पतला ही चाहिए क्योंकि पकौड़े जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। तो फटाफट हम पकौड़े इसके अंदर देख रहे, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई हमारी। इसे एक और उबाल देते हैं। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया लाजवाब सब्जी बनके ये देखिए तैयार है हमारा। खाने में उतना ही बढ़िया उतना ही बेहतरीन। ये ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। अगर आपको ज़्यादा अगर गाढ़ी कर देंगे तो ये ग्रेवी जैसे ही आप सब्जी को छोड़ेंगे ठंडी होगी, पूरी गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ज़्यादा पतला ही रखें ताकि ग्रेवी बचे इसके अंदर। और फटाफट मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि ये सब्जी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं। और कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करना नहीं भूले हमारा बनाया हुआ पकौड़े की सब्जी आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।